श्रद्धा सुमन, हमारी जिंदगी सबरंग का लेखा जोखा है। जिंदगी में हर एक रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है और कुछ सुनहरी यादें भी होती हैं जिसकी एक अलग सी खुशबू होती है। कहते हैं कि जिंदगी में हर एक को हर सुख नहीं मिलता है, कुछ न कुछ अधूरा सा रह जाता है, कई तमन्नाएं अधूरी सी रह जाती हैं और उसे पूरा करने का दूसरा मौका जिंदगी हमें नहीं देती। उस वक्त हमारे पास वो गुजरे हुए लम्हों की यादें ही रह जाती हैं। आंसुओं से हम सुमन अर्पण तो करते हैं लेकिन उसकी महक पा नहीं सकते। ऐसी ही एक हसीन याद जो अब मेरे जीवन की किताब में है, यानी मेरे अतीत का एक पन्ना। मेरा नाम स्वरा देसाई है। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, उनको गुजरे 6 साल बीत गए, लेकिन आज भी जब उनकी तस्वीर के सामने खड़ी होकर उन्हें याद करती हूँ, मेरी आंख से केवल पश्चाताप के आंसू ही बहते हैं। मैं एक औरत होकर भी उनका दर्द न समझ पाई, यही गम मुझे खाए जा रहा है। मेरी माँ का नाम तर्जनी देसाई था। वो सूरत, गुजरात के रईस अनिल और सुनंदा देसाई की इकलौती संतान थी। इस वजह से वो बड़े नाजों से पली थी। मेरी माँ पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ खूबसूरत भी बहुत थी। MBA करने के बाद उन्हें वहीं एक बैंक में नौकरी भी मिल गई। तब मेरे नाना ने कहा, जब अपना खुद का ऑफिस है तो तुम्हें दूसरी जगह काम करने की क्या जरूरत। तो वो हंसकर कह उठी, पापा मुझे अपने दम पर कुछ हासिल करना है, आपके ऑफिस का काम मैं जब चाहे संभाल सकती हूँ, है ना। उनकी बात सुन नाना मुस्करा पड़े। बेटी जब जवान होने लगती है तब से उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। मेरी नानी को भी उस वक्त अपनी बेटी की शादी की चिंता ज्यादा होती जब कोई पूछ लेता कि सुनंदा बहन, बेटी की शादी कब कर रही हो। लेकिन मेरी माँ ने अपनी जिंदगी के लिए जो सपने देखे थे वह उन्हें पूरा करना चाहती थी शादी करने से पहले, इसलिए जब कोई रिश्ता आता तो वह उन्हें मना कर देती। बैंक में नौकरी मिल जाने पर मानो उन्हें पंख मिल गए, गगन में ऊंची उड़ान भरने को। बैंक में बहुत जल्द उनका एक ग्रुप बन गया जिसमें सब हमउम्र ही थे, आशीष, रीना, पल्लवी, माधव, शशांक, मयंक और ईशित पटेल। ईशित खूबसूरत व नेक सीरत लड़का था, यानी किसी को भी पल भर में अपना बना लेने का हुनर था उसमें। वह सबका चहेता था। धीरे धीरे वह माँ का खास दोस्त बन गया और फिर दोनों में प्यार हो गया। सबसे छिप कर दोनों मिलने लगे। माँ घर पर झूठ बोलकर ईशित के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगी। आखिर एक दिन माँ ने नानी से अपने दिल की पूरी बात बता दी। पहले तो बेटी के मुंह से सारी बातें सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। नानी ने अपनी नाराजगी भी जताई, लेकिन थी तो एक माँ, अपनी बेटी की खुशी के लिए मान गई और अपने पति को भी इस रिश्ते के लिए रजामंद कर लिया। अपनी बेटी की खुशी के खातिर उन दोनों ने ईशित के माँ पापा से बात की। वह लोग भी खुशी खुशी मान गए। एक शुभ दिन देखकर दोनों की सगाई कर दी गई। दोस्तों ने यह बात सुनी तो पार्टी की मांग की। ईशित ने खुशी खुशी हाँ भर दी। शनिवार की रात उसके फार्म हाउस पर पार्टी थी। माँ अपनी सहेलियों के साथ वहां गई थी। वे वहां रात को रुकने वाले थे। रात 12 बजे म्यूजिक बंद हुआ और सबने खाना खाया। कुछ दोस्त वापस चले गए तो कुछ रुक गए। एक कमरे में लड़कों के रहने का इंतजाम था और एक कमरे में लड़कियों के रहने का इंतजाम था। इन सब में एक शख्स ऐसा भी था जो अपनी बेइज्जती का बदला पल्लवी से लेना चाहता था। उसका प्यार कभी कबूल ही ना हुआ था, ये उसकी तौहीन थी। जिंदगी भर उसे याद रहे वह ऐसा सबक सिखाना चाहता था। वह मौका उसे आज मिल गया। उसने पहले ही देख लिया था कि कौन सी लड़की कहाँ सोने वाली है। सबके सो जाने के बाद वह उस पलंग के पास गया जहां पल्लवी सोने वाली थी। अंधेरे में उस लड़की के मुंह को दबोचा और उसे छत पर ले गया। वहां उसने उसका बलात्कार किया। अचानक से हुए इस हादसे से वो लड़की बेहोश हो गई।
वह दरिंदा चुपचाप अपनी जगह आकर सो गया। माँ के कमरे में न होने पर पल्लवी ने उन्हें बहुत ढूंढा, उनके न मिलने पर सबको जगाया। पल्लवी को अपने सामने देख वह दरिंदा चौंका। ये यहाँ है तो कल रात मैंने, पल्लवी के मुंह से यह सुनकर कि तर्जनी गायब है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर ईशित को पता चला तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बात सोचकर वह बाथरूम में डर के मारे छुप गया। आखिरकार छत से आती आवाज सुन सब ऊपर गए और जो देखा उससे उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। माँ वहां बंधी हुई पड़ी थी। पल्लवी नीचे से एक चादर ले आई और माँ को ढक दिया। माँ ईशित से लिपटकर बहुत रोई, लेकिन उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। सब सूरत वापस आ गए। नानी ने जब इस हादसे के बारे में सुना तो कुछ बोल ना पाई, सोफे पर गिर गई। पल्लवी ने उन्हें संभाला। रात को जब नाना घर आए तो सन्नाटा था। वो समझ नहीं पाए कि बात क्या थी। अंदर आकर नानी को बेहोश पाया तो वो घबरा गए। क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे हो, उन्होंने पूछा। नानी रोने लगी और माँ के साथ हुए हादसे के बारे में उन्हें बताया तो नाना के छाती में दर्द हुआ और वह क्या 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 कहकर गिर पड़े। गिरने की आवाज सुन नानी ने ईशित को बुलाया। वह माँ के कमरे से दौड़ता हुआ आया और नाना को अस्पताल ले गया, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी नाना को बचाया ना जा सका। अचानक एक ही दिन में नानी ने दो गहरे जख्म सहन किए। वह गुमसुम सी हो गई। ईशित और उसके माता पिता ने सब कुछ संभाला। अस्पताल से नाना को घर ले आए। माँ को नाना के गुजर जाने की बात पता न थी। नाना की मौत की वजह जान। माँ पत्थर की मूरत बन गई, न किसी से बात करती न किसी को पहचानती। सारी घटना जानने के बाद शशांक माँ की जिंदगी में किसी मसीहे की तरह आया और नानी और माँ को संभालने लगा। शुरू शुरू में ईशित हर रोज माँ के घर आता था, लेकिन शशांक का रोज रोज आना देख उसे तकलीफ होने लगी। उसने धीरे धीरे वहां आना बंद कर दिया। एक दिन ईशित के माता पिता नानी के पास आए और माफी मांगकर रिश्ता तोड़ दिया, यह बताकर कि बलात्कार हुई, लड़की को वे अपने घर की बहू नहीं बना सकते, वे चले गए। नानी माँ की बदकिस्मती पर रोने लगी। तब शशांक ने नानी को संभाला और कहा, इस बात पर मातम न मनाए। उन्हें तो यह भी न पता चल सका कि इस घटना का असली गुनहगार कौन था। डॉक्टर की दवाएं और शशांक की मेहनत रंग लाने लगी। माँ ठीक होने लगी थी। शशांक का साथ मानो माँ को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने लगा। नाना का देहांत, माँ की देखभाल, फैक्ट्री का कामकाज नानी के लिए बहुत मुश्किल बात थी, पर वह एक चट्टान की तरह सब संभाल रही थी। रिश्ता टूटने पर समाज में तरह तरह की बातें होने लगी, पर शशांक और नानी का साथ था कि माँ आगे बढ़ती रही। उस हादसे को 3 महीने हो गए थे, माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। तब उन्हें पता चला कि ईशित भी उन्हें छोड़कर चला गया था। उन्हें उस गलती की सजा मिल रही थी जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। गलती किसी और की, पर सजा उन्हें मिल रही थी। यह सब दुख क्या कम थे माँ के जीवन में। जो एक दिन उनकी तबीयत फिर बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां मालूम पड़ा कि माँ को बच्चा होने वाला है। उस बात से नानी का दुख और भी बढ़ गया। नानी ने ठान लिया कि वह इस अनचाहे गर्भ को अपनी बेटी की जिंदगी से निकाल फेंकेंगी और अपना फैसला उन्होंने माँ को बताया। माँ ने नानी के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इस बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे कोई हक नहीं कि मैं इसकी सांसें छीनूं। देखते ही देखते शशांक की शादी प्रतिभा से हो गई। प्रतिभा की हमदर्दी भी माँ के साथ थी। माँ का 8वां महीना चल रहा था कि अचानक उनकी तबीयत एक दिन खराब हो गई। शशांक को फोन कर नानी माँ को अस्पताल ले गई। जांच के बाद पता चला कि माँ की हालत काफी नाजुक है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। शशांक तब तक आ चुका था और सारे कागजात पर उन्होंने दस्तखत कर दिए थे। माँ ने मुझे जन्म दिया। कमजोर होने के कारण मुझे कुछ दिन कांच की पेटी में रखा गया था।
अस्पताल से आकर माँ ने मेरे नामकरण की जिम्मेदारी शशांक और प्रतिभा को दी। शशांक ने मुस्कुराकर मेरा नाम सावरा रखा। देखते देखते माँ फैक्ट्री जाने लगी थी और मुझे नानी संभालने लगी थी। काम में मुश्किलें आने पर माँ शशांक की मदद लिया करती थी। बहुत समय से शशांक माँ के साथ था। उन्होंने माँ के जीवन में हर अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ दिया था, वो भी किसी आरजू या शिकायत के बगैर। इस बात का असर माँ के मन पर पड़ा। वो मन ही मन शशांक को चाहने लगी थी। मन की चाहत को प्लेटोनिक लव कहते हैं, जिसमें जिस्मों का नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्यार होता है, यानी कि रूह का रूह से प्यार होता है। लेकिन इस प्रेम को समझना काफी मुश्किल काम है। इस प्यार की अहमियत किसी किसी को ही समझ आती है। इसमें दो लोगों के जज्बात, सोच समझ, एक दूसरे के लिए आत्मीयता महसूस होती हैं। शशांक का बार बार माँ के घर आना समाज में चर्चा का विषय बन गया था। लोग कई तरह की बातें करने लगे थे, पर इसकी परवाह न तो माँ को थी न शशांक को। मैं बड़ी होने लगी थी। बचपन में मैं शशांक अंकल के आगे पीछे घुमा करती थी। कहते हैं कि बच्चों का मन काफी जज्बाती होता है। मैं बड़ी हुई तो माँ और शशांक अंकल के बारे में सुन के मुझे माँ से नफरत होने लगी। अब तो ये हाल था कि मैं शशांक अंकल का अपमान भी करने लगी थी। इस बात का माँ को बहुत दुख होता था। वह मुझे डांटती तो शशांक अंकल बीच में आकर कहते, उसे मत कुछ कहो, वह अभी बच्ची है, बड़ी होगी तो खुद सब समझ जाएगी। लेकिन वह दिन कभी ना आया। माँ से नफरत के कारण मैंने अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले अलाप देसाई से शादी कर ली। माँ को बताया भी नहीं। मेरा यह रूखापन माँ से सहन नहीं हुआ। उन्होंने कितने ख्वाब सजाए थे। एक एक ख्वाब के तिनके से माँ ने अपना आशियाना बनाया था, लेकिन मैंने ही उनके ख्वाबों के आशियाने को जला दिया। वो अब थक गई थी किस्मत के इस खेल से, पर थी तो माँ ही। मुझे दुआ देते हुए कहती, गुलशन बस जाए उम्मीदों से तेरा, यही दुआ है मेरी, मेरी बच्ची। माँ को यह दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। यह बात शशांक अंकल को पता चली तो उन्होंने सोचा, किस्मत भी क्या क्या खेल खेल रही है तर्जनी के साथ। उसकी जिंदगी एक सवाल ही तो बन गई है, जिस बेटी के जन्म के लिए पूरे समाज से लड़ाई की, उसे जन्म दिया। आज वही बेटी उसके साथ इस तरह पेश आती है। दुख तो शशांक अंकल को भी होता था, पर वह मजबूर थे। उन्होंने माँ को समझाया, पर माँ अंदर ही अंदर इस गम से हारने लगी थी। आज मुझसे ही हार गई। वह जिंदा तो थी, पर उनके दिल की धड़कन मैं खो चुकी थी। अब जिंदगी जीने की कोई वजह ही नहीं रही उनके पास। अपना सब कुछ मेरे और आलाप के नाम कर दिया और हमारी जिम्मेदारी शशांक अंकल को सौंप दी। एक रात डायरी लिखते लिखते सो गई, फिर कभी भी न जगने के लिए। दूसरे दिन अंकल घर आए तो नानी से पूछा, तर्जनी कहाँ है? तो नानी ने कहा, न जाने अभी तक क्यों सो रही है। नानी की बात सुन वे माँ के कमरे में गए और देखा कि वह गहरी नींद में सो रही है। कुछ आशंका हुई तो उन्होंने नजदीक जाकर जांचा। माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। वो दंग रह गए। शशांक अंकल ने मुझे और आलाप को फोन करके सच्चाई बताई और बड़े दुख के साथ उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सारी रस्में निभाई। आखिर में माँ की वसीयत के मुताबिक सब कुछ मुझे और आलाप को सौंप दिया और नानी को अपने साथ ले गए। जाते जाते माँ की डायरी मुझे देते हुए कहा, स्वरा बेटा, अगर वक्त मिले तो एक बार इसे पढ़ना जरूर। इसमें तेरी माँ की वो सच्चाई है जिससे तू आज तक अनजान थी। घर आकर मैंने डायरी पढ़ी। एक एक पेज पर माँ की वेदना झलक रही थी और जब अपनी सच्चाई पढ़ी तो फूट फूट कर रोने लगी। अरे, ये मैंने क्या कर डाला? उस माँ को कोसती रही जिसने समाज से लड़कर मुझे जन्म दिया था। शशांक अंकल और माँ का सच जानकर पानी पानी हो गई। उनका प्यार कितना सच्चा और शुद्ध था। मैं उन पर शक कर रही थी और न जाने क्या क्या बोला था। अरे, यह मैंने क्या किया? फिर मैंने सारी बातें आलाप को बताई।
आलाप ने कहा, मैं तुम्हें सदा कहता था कि किसी को जाने बगैर ऐसा नहीं कहना चाहिए, बाद में सच पता चले तो हमें पछताना पड़े। हाँ आलाप, आपकी बात सही है, मैंने माँ को बहुत गलत समझा। वो तो इस दुनिया में रही नहीं, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। दूसरे दिन सुबह ही मैं आलाप को संग लिए शशांक अंकल के घर पहुंची। सुबह सुबह मुझे वहां देखकर अंकल समझ गए कि मुझे माँ की सच्चाई पता चल गई है। आओ स्वरा बेटा, शशांक अंकल ने मुझे प्यार से बुलाया। मैं सीधे उनके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी, अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए कहने लगी, मुझे माफ कर दो। मुझे प्यार से उठाकर अंकल ने कहा, बेटा वक्त का तकाजा यही है कि जो हो गया उसे भूल जाओ। अगर ये तुम पहले करती तो तर्जनी आज शायद जिंदा होती, यूं तस्वीर बन हमारे बीच ना होती। मैं अपनी गलतियों पर बहुत रोई। अंकल, आज से मैं आपको पापा और प्रतिभा आंटी को माँ कहूंगी। मेरी एक गलती की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और यही अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। यही है वह श्रद्धांजलि के फूल जिसे मैं अर्पण तो करूंगी, लेकिन वो कभी खिलेंगे नहीं। पूरी कायनात में माँ की याद सबसे अलग होती है, इससे बड़ी श्रद्धा सुमन स्वर्गीय माँ के लिए क्या होगी।